कहते हैं कि शिक्षा वो अमूल्य धन है जिसे जितना दूसरों में बांटेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी कहावत को चित्रार्थ कर रहे हैं हमीरपुर जिला के टौणी देवी उपमंडल के खंड विकास अधिकारी यशपाल। यशपाल हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल की छोटी सी पंचायत घनु के रहने वाले हैं। हर रविवार और अन्य अवकाश दिवस पर बीडीओ यशपाल अपने गांव में जाकर प्राथमिक विद्यालय में अपनी पंचायत के छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी भाषा व नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं। यहां ए फॉर एप्पल के अलावा ए फॉर एम्बुलेंस भी पढ़ाया जाता है। इसी तरह आ का महत्व आम नहीं आदर भी होता है। हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी के अल्फाबेट के यहाँ वो मतलब भी नन्हे बच्चों को बताए जाते हैं जो उन्हें आगे चलकर न केवल एक अच्छा इंसान बनाएंगे बल्कि एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होंगे। बीडीओ यशपाल ने बताया कि समाज में बढ़ रही कुरीतियों जैसे नशा आदि से वे काफी परेशान थे तथा देश में बढ़ रहे अपराध के समाचारों को देखकर उनमें ये बात उठी कि क्यों न अपने गांव से शुरुआत की जाए तथा बड़े लोगों को समझाने की बजाय छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, तभी भी अच्छे इंसान बनेंगे तथा देश के अच्छे भविष्य निर्माता होंगे। उन्होंने कहा कि उनका अपना बेटा भी राजकीय विद्यालय में ही पढ़ रहा है ताकि अन्य लोग भी अपने बच्चों को राजकीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि स्कूल में हम लोग ई लर्निंग पर भी जोर दे रहे हैं और LED के माध्यम से बच्चों को नृत्य तथा अन्य शिक्षाएं भी दी जा रही हैं। शिक्षा एक तो होती है अकेडमिक शिक्षा कि अकेडमिकली आप जो पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वो तो हम यहाँ पे देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा, मॉरल संस्कार, वो हम ज़रूर सिखाते हैं। जैसे कि जिस बड़ों की किस तरह से हमने रिस्पेक्ट करनी है, देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छी बातें सीखें। या मेरा इसी दौरान एक कॉन्टैक्ट हुआ, हमारे एक शिव कुमार शर्मा जी हैं, वो अपने लेवल पे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे बुलाया। वो उन बुक्स में इस तरीके की एजुकेशन दी गई है जो कि नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई है। जैसे कि उन्होंने सिखाया है, जैसे आ फॉर आम होता है, तो उनका कहना है कि आ फॉर आदर से सिखाएं हम, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं हम, तो ए फॉर एप्पल की जगह हम ए फॉर एम्बुलेंस सिखाएं, और एम्बुलेंस में क्या होता है और किस तरीके से हम अगर रोड पे जा रहे हैं या कहीं से क्रॉस कर रहे हैं तो हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए ताकि कोई समय पर उपचार किसी को मिल सके। मेरे मन में एक सवाल होता था कि जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं इस वक्त समाज में, तो उसके ऊपर चर्चा भी होती थी दोस्तों से, चाहे अपने रिश्तेदारों से, इवन घर में पापा से, मम्मी से। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था इन चीज़ों को देख के। इवन अपने गाँव में आना, तो चाहे स्वच्छता की बात है या कोई चीज़ें चोरी हो रही हैं या मर्डर्स हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई, नशा है, तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी मतलब परेशान होता था कि देश किस तरफ जा रहा है। फिर हम चर्चा भी करते थे तो, या हर घर की चर्चा होती है आज की, दिल्ली में ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन हम कंसंट्रेट जहाँ बेसिकली करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम, जो कि हमारे गांव के बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारा, उनको हम समझाएं। अगर बड़ों को समझाएंगे उनसे ज़्यादा अच्छा है कि बच्चों को समझाएं, जो कि आने वाला हमारा भविष्य है, और इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे बच्चों को, तभी वो जाके एक अच्छे इंसान बनेंगे और देश का निर्माण करेंगे। तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट अपने गांव से करना चाहिए, अपना जहां मैंने जन्म लिया है बेसिक वहां से करें, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और इसमें मैंने अपने, जैसे मेरा बेटा है, तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालूं, जिससे कि चार और लोगों को एक सिम्बॉलिक वे से एक मतलब सोच मिले कि वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ले जाएं। और इस स्कूल के लिए मैं जितना हो सके मैं उतना करने के लिए तैयार हूं। इस अवसर पर अपने बच्चों को वीडियो सर की क्लास में लेकर आए अभिभावक ने बताया कि उनकी नैतिक शिक्षा से उनमें अच्छे संस्कार पनप रहे हैं तथा बच्चों में स्वच्छता आदि की सोच भी पैदा हो रही है। यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, इसमें सामाजिक भी है, पढ़ाई से संबंधित भी है, और जो बच्चे कुछ जैसे यहाँ वहाँ के बच्चे आते हैं जैसे शरारतें करते हैं, वो सब बातें वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। इस वजह से पहले यहाँ बच्चे शरारतें करते थे, कुछ एक नुकसान कर जाते थे, ऐसे कुछ आदतें फिर बच्चे सीखने लगे थे, तो उससे आराम मिल हो गया है अब, और पढ़ाई में भी बच्चे थोड़ा सुधार हो रहा है बच्चों का। इस अवसर पर बच्चों ने कहा कि उनको इस कक्षा में आकर अच्छा लगता है तथा वे अंग्रेजी और भी अच्छी बातें सीख रहे हैं। मैंने पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मैं फोर्थ में यहाँ पर आया हूँ सरकारी स्कूल में।
और हमें सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सभी को मदद, छोटे बड़ों को बोलते हैं कि हमें कचरा नहीं फैलाना है और हमें सबकी मदद करनी है, तो हमें दो डस्टबिन रखनी चाहिए। थैंक्स। हमने यहाँ अच्छी बातें सीखी, अच्छे इंसान बनने के सीखा, हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। राजकीय माध्यमिक पाठशाला गलू यहीं से पढ़कर गया हूँ। मुझे छुट्टी वाले दिन का इंतजार रहता है ताकि मैं यहाँ आऊँ और नई नई बातें सीखूँ। सर हमें पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ आते हैं और सीखते हैं कि अच्छी बातें करना, दूसरों की हेल्प करना, घरों में दो डस्टबिन रखना आदि हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। हम इंतजार करते हैं कि छुट्टी वाला दिन कब आएगा।